हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और डिफेंस सेक्टर की जॉब जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। देखिए, असम राइफल्स की तरफ से ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों तरह के पोस्ट रहेंगे, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करूँ ना तो 1425 यानी 1425 सीट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करना या फिर एग्जाम सिलेबस इसका जानना चाहते हैं कि क्या पैटर्न है, तो दोनों चीज़ें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, टोटल पोस्ट है 1425 यानी 1425 सीट है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के सीट देखने को मिल जाएंगे। देखिए, 3, 6, 9 और 2, 11, टोटल 11 टाइप का यहाँ पर पोस्ट रहेगा। पहला पोस्ट है ब्रिज एंड रोड का, जिसके लिए 17 यानी 17 सीट है और क्वालिफिकेशन देखिए 10th 12th और ग्रेजुएट सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर ब्रिज एंड रोड के लिए 10th पास आउट, साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल रहोगे। सफाई कर्मचारी के लिए 610, सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका सफाई कर्मचारी का है यानी 610, और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कर रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारा पोस्ट है रिलीजियस टीचर, धार्मिक शिक्षक का, इसके लिए आपका 9 यानी कि 9 सीट रहेगा। आप क्वालिफिकेशन इसके लिए ना ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन 10th क्लास में या तो संस्कृत या तो हिंदी आपका एक विषय होना चाहिए, तभी आप धार्मिक शिक्षक के पद पे जॉब कर सकते हो। उसके बाद है ऑपरेटर, रेडियो एंड लाइन दोनों के लिए 529, सेकेंड हाईएस्ट सीट आपका इसी पोस्ट के लिए रहेगा 529। इसके लिए 10th पास आउट, साथ के साथ ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। उसके बाद है रेडियो मैकेनिक, 62 पोस्ट है, 10वीं पास हो आप, आपके पास डिप्लोमा है, या फिर आपने नॉन मेडिकल सब्जेक्ट से 12th कर रखा है, मतलब कि 12th में आपका PCB नहीं होना चाहिए, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट है, बायो वाले नहीं करेंगे अप्लाई। और उसके बाद अगला पद है आर्मरर का, 48 यानी कि 48, 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट है 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। देन आपका है नर्सिंग असिस्टेंट का पद, 12 सीट रहेगा, इसके लिए भी सिर्फ 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। देन है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए आपका 10 सीट रहेगा। 12th पास आउट होने के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी साइंस में, तभी तो देखिए वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की पद है। देन है आपका AYA पैरामेडिकल के लिए 15 सीट एंड आपका 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लास्ट पोस्ट है आपका वाशरमैन का, जो इसके लिए 10th पास आउट बच्चे अप्लाई करेंगे और 100 पद है, मतलब कि थर्ड हाईएस्ट सीट। ये देखिए, सारे पदों के बारे में मैंने बता दिया है, क्या क्या सीट है और क्वालिफिकेशन भी बता दिया है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और भी इन डिटेल्स आपको मिलेगा कब, जब ये वैकेंसी का आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब। फिलहाल ये जान लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी क्या लगता है। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपको 200 यानी 200 रुपया लगता है। ग्रुप सी की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया। ये है आपका जनरल, OBC और EWS के लिए। बाकी के जो कैंडिडेट रहेंगे SC ST एक्स सर्विस मैन या फिर महिला किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, उनका फी एग्जेम्प्टेड है, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के ऊपर कि आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी। तो सबसे पहली बात कि कट ऑफ डेट क्या रहेगी भाई। देखिए, आपका एज कैलकुलेट होगा एज ऑन 1st of August 2024, 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 23, 25 या 27 वर्ष। देखिए, इतने डिफरेंट टाइप के आपके पोस्ट है, तो पोस्ट वाइज आपका उम्र अलग अलग रहेगा। सबसे मिनिमम 23, उसके बाद 25 और 27, मतलब कि 18 वर्ष से 27 वर्ष के कैंडिडेट के लिए रहेगा।
रिलैक्सेशन भी मिलेगा ओबीसी को 3 इयर्स का और एससीएसटी को 5 इयर्स यानी 5 वर्ष का। तो ये तो सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड बेसिक डिटेल्स। अब हम आते हैं द मेन पॉइंट पे कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, किन किन स्टेज को पास करने के बाद, क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। अब जैसा कि पता है कि डिफेंस सेक्टर की आपकी जॉब रहेगी, तो पहले स्टेज पर आपका फिजिकल होगा, जिसमें आपका शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके साथ फिजिकल इलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका इफिशियंसी देखा जाएगा, ठीक है, कि क्षमता क्या है आपका। फिर आपका रिटन एग्जाम होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड, अब जैसे अलग अलग ट्रेड है, वाशरमैन है, टीचर का है, सफाई कर्मचारी है, तो सबके लिए अलग अलग ट्रेड रिलेटेड आपका टेस्ट होगा कि आप अपने ट्रेड में अच्छे से वर्क कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद लास्टली आपका डीवी और सिंपल सा साथ ही साथ मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। तो अब हम ज्वाइनिंग लेटर की तरफ की सारी प्रोसेस को ना इन डिटेल अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका पहला स्टेज का जो फिजिकल क्राइटेरिया है, पीएमटी एंड पीईटी दोनों के लिए आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आपका हाइट मेजर होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 यानी 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर। फिर आपका चेस्ट मेजर होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, 80 to 85 मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंशन रहेगा। तो ये आपका पीएमटी में आ गया, आपका शारीरिक मापदंड हुआ। फिर क्या पीईटी होगा, आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, क्षमता देखने के लिए ना रनिंग यानी दौड़ कराया जाता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, उनको 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है, और फीमेल्स के लिए जो होती है ना 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, 8.3 यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड में उनको कंप्लीट करना होगा। तो इस फिजिकल को जब आप क्वालिफाई कर लोगे, तब आपके पास अगेन एक एडमिट कार्ड जाएगा आपके रिटन एग्जाम के लिए, और वो रिटन एग्जाम आपका ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 1 नंबर मिल रहा है, टाइम 2 आवर्स यानी 120 मिनट का समय है 2 घंटे का, एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये एक प्लस पॉइंट है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है ये आंसर होगा कि नहीं होगा, तो आप टिक करके आ सकते हो, क्योंकि अगर वो गलती हुआ तो उसका मार्क्स कट नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो मैथ्स है उससे 20 क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल यहाँ 5 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग से रिलेटेड 20 यानी 20 क्वेश्चंस, एंड लास्टली ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड संबंधित आपको 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए। तो ये आपका एग्जाम है जो कि ऑफलाइन होता है, ऑल इंडिया में आपका एग्जाम सेंटर होता है, आपके नियर बाई सिटी में ही दिया जाएगा। तो ये तो थी इससे रिलेटेड बेसिक जानकारी। फिर आपको पता है कि ट्रेड टेस्ट होगा, डीवी और मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तब आपको ऑल ओवर इंडिया में असम राइफल्स की तरफ से जहाँ पे भी एलोकेट किया जाएगा आपको वहाँ पे सर्व करना होगा ग्रुप बी या ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। तो जब आप सर्विस देंगे तो सैलरी क्या मिलेगी, देखिए सैलरी आपकी शुरुआती होती है 21,700 मतलब कि 22,000, तो ये बताया गया है 22,000, शुरुआत में ही आपको 35,000 से 40,000 सैलरी मिलेगा, बाद में आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 90,000 1 लाख के करीब हो जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब रही बात की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, आपका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, तो जो ऑफिशियल नोटिस है ना उसमें बताया गया कि आपका जो रैली होगा, तो रैली में क्या होगा, पहले आपका फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपको पता है कि आधा अगस्त बीत चुका है, तो अगस्त के लास्ट तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो फिर उसके अगले महीने 1 अक्टूबर से रैली शुरू हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको सारी की सारी जानकारी अवेलेबल करा दी है। अभी भी कुछ डाउट है तो हिचकिचाइए नहीं, कमेंट करिए, आपके क्वेरी को क्लियर कर दिया जाएगा। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।